नमस्कार। जेएलके मीडिया परिवार की तरफ से सभी दर्शकों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं सरबजीत कौर और आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। शिवरात्रि महापर्व जम्मू कश्मीर में मनाया जा रहा है धूमधाम और पारंपरिक तौर तरीके के साथ। दिन भर लगा रहा शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात के लिए हुआ बहाल, छोटे वाहनों को ही राजमार्ग से आने जाने की इजाजत। जम्मू एंड कश्मीर नेचर ह्यूमन सेंट्रिक पीपल्स मूवमेंट ने आज प्रदर्शन कर विश्व के देशों से की अपील, कहा यूक्रेन और रूस के दरमियान जारी युद्ध को खत्म करने में करें अपना हस्तक्षेप। और शबे मेराज के मौके पर दरगाह हजरत बल में जुटी लोगों की भीड़, हजरत मोहम्मद साहब की पवित्र निशानी के किए दर्शन। और अब समाचार विस्तार से। मंदिरों के शहर जम्मू में आज शिवरात्रि महापर्व धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। बात करें शालामार क्षेत्र के रणवीरेश्वर मंदिर की, जहां पर आज सुबह से ही श्रद्धालुओं ने मंदिर में हाजिरी लगाई और लंबी लंबी कतारों में भगवान शिव के दर्शन किए और उनका जलाभिषेक किया। मंदिर में हर ओर भगवान शिव के जयकारे गूंजते दिखाई दिए। वहीं शिवरात्रि पर्व पर मंदिर और उसके आसपास सुरक्षा व्यवस्था के भी कड़े प्रबंध किए गए हैं। आज शिवरात्रि के इस पावन अवसर पे यहाँ पे बड़ी तादाद में जो श्रद्धालु आज आए हैं भोले बाबा के, माँ पार्वती के दर्शन करने के लिए, भगवान गणेश जी के दर्शन करने के लिए और सब आशीर्वाद मांग रहे हैं भोलेनाथ, उनकी मुराद पूरी करें। जम्मू कश्मीर बारे में रहने वाले तमाम निवासियों को आज के इस शुभ अवसर की शुभकामनाएँ। प्रभु भोलेनाथ उनकी सभी मनोकामना पूरी करें। जम्मू कश्मीर में, भारतवर्ष में, पूरी दुनिया में शांति रहे, सबकी उन्नति हो, सबकी तरक्की हो और प्रभु सबकी मनोकामना पूर्ण करें, उनको खुशहाली दें। ये है कि शिव रात्रि, यानी शिव जो है रात्रि खत्म हो गई शिव की, अब प्रभात एक तरह का, जैसे शिव समाधि में होते हैं ना, तो समाधि से अभी वो छोड़ के अपने बाहर आ गए। जैसे डोगरी में कहते हैं कि शिव जी ने गुदड़ी फंडी ओढ़ी, सप बिच्छू बाहर आई है, तो वो हिसाब के साथ से जड़ा ये है कि भगवान भोलेनाथ ने अपने समाधि खोल के और बाहर आ गए। अब आज के दिन जो है भगवान शिव का जो है, शिव और शंकर में बहुत फर्क है। शिव है निराकार रूप, शंकर है साकार के रूप में। तो वो शिव के रूप में तो शादी नहीं, शिव और शक्ति दो चीज़ें हैं, उन्होंने शादी कभी नहीं किया, शक्ति के साथ ऐसे रहे। पर जो पार्वती के साथ शादी किया है वो शंकर के रूप में किया है। ऐतिहासिक पीर खो मंदिर में आज शिवरात्रि महापर्व के मौके पर भगवान शिव के भक्तों का तांता लगा रहा। श्रद्धालु आज सुबह से ही मंदिर में आकर कतारों में खड़े हुए भगवान शिव के दर्शनों के लिए अपनी बारी का इंतजार करते दिखाई दिए। मंदिर में पूजा अर्चना के साथ श्रद्धालुओं ने जम्मू कश्मीर में अमन शांति की भी कामना की। ऐतिहासिक पीर खो मंदिर में हर ओर भगवान शिव के जय घोष सुनाई दिए। और आज खुशियों के दिन है, हर्षोल्लास का दिन है, सभी बड़ी धूमधाम से यहाँ पे एस ओ पी का पालन कर रहे हैं, कोविड प्रोटोकॉल का भी पालन कर रहे हैं। मैक्सिमम हमने यहाँ पे बाहर सभी को मास्क दे के रखे हुए हैं, जो नहीं पहन गए उनको हम मास्क प्रोवाइड कर रहे हैं। तो
सारा प्रबंध अच्छा चल रहा है। मंत्री कमेटी का अपना भी प्रबंध बहुत अच्छा है, जो मास्क डिस्ट्रीब्यूट कर रही है सभी आम जनता को, जिन्होंने नहीं पहने उनको दे रही है। वो ये मांगे कि विश्व में शांति हो, जो अभी यूक्रेन और इसराइल का युद्ध चल रहा है उसमें शांति बहाल हो और साथ में हमारे देश में भी खुशहाली हो और अच्छा हो। शंकर भगवान की जय। मैं सभी देशवासियों को महाशिवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। भोलेनाथ सबका भला करें। जिला रियासी के ऐतिहासिक शिवखोड़ी धाम में भी आज सुबह से ही श्रद्धालु लंबी लंबी कतारों में खड़े होकर भगवान शिव के दर्शनों के लिए अपनी बारी का इंतजार करते दिखाई दिए। ऐतिहासिक शिवखोड़ी मंदिर में शिवरात्रि महापर्व के मौके पर दूर दूर के इलाकों से श्रद्धालु दर्शनों के लिए आते हैं और भगवान शिव की महिमा का गुणगान करते हैं। देविका घाट उधमपुर में भी शिवरात्रि महापर्व धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। पवित्र देविका घाट के शिव मंदिर में श्रद्धालु लंबी लंबी लाइनों में लगकर भगवान शिव के दर्शन कर जम्मू कश्मीर की सुख शांति की कामना कर रहे हैं। वहीं प्रशासन द्वारा इस मौके पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कई इंतजाम किए गए हैं और सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी की गई है। राजौरी के प्राचीन शिव मंदिर में भी शिवरात्रि महापर्व के मौके पर बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं ने आज सुबह से ही अपनी हाजिरी लगाई और भगवान शिव का जलाभिषेक किया। इस मौके पर मंदिर में हर ओर भगवान शिव के जयकारे गूंज रहे थे। वहीं मंदिर में इस मौके पर लंगर का भी आयोजन किया गया। प्राचीन शिव मंदिर जो दरिया तवी के किनारे पर है, धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। मैं देख रहा हूँ हर साल की तरह यहाँ पर लोग छोटे छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक एक तो शिव मंदिर में आए हुए हैं, भगवान शिव के दर्शन कर रहे हैं, उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं और फिर भंडारे में जाकर ये प्रसाद भी खा रहे हैं। ये त्यौहार इतना अच्छा है कि जिसको हर एक आदमी, क्या हिंदू हो, मुसलमान हो, यहाँ पर सभी कम्युनिटी के लोग आज यहाँ पर आए हुए हैं, उन सबको देखकर मैं इतना खुश हुआ हूँ कहने की कोई यहाँ बात ही नहीं है। अखनूर के प्रसिद्ध और प्राचीन कामेश्वर मंदिर में भी शिवरात्रि का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। मंदिर में हजारों की तादाद में श्रद्धालुओं ने शिव शंकर भोलेनाथ पर जलाभिषेक किया और सुख शांति की कामना की। बच्चों के लिए मेले में मनोरंजन के साधन भी उपलब्ध करवाए गए हैं। वहीं मंदिर परिसर में समाज सेवी संस्थाओं ने लंगर भी लगाए। जिससे डरे उसे शिवरात्रि महापर्व के मौके पर ग्रेटर कैलाश क्षेत्र में स्थानीय लोगों द्वारा लंगर का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों को लंगर का प्रसाद वितरित किया गया। इस मौके पर ऑल इंडिया मनहास बिरादरी सभा के प्रधान हरनाम सिंह मनहास और युवा राजपूत सभा के उपप्रधान दिलावर सिंह मनहास विशेष तौर पर मौजूद रहे, जिन्होंने इस मौके पर लोगों में लंगर वितरित किया और शिवरात्रि की शुभकामनाएं दी। बाड़ी ब्रह्मा ऑटो टैक्सी यूनियन की तरफ से हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़ कर भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। ऑटो टैक्सी यूनियन के सदस्यों ने इस मौके पर भोलेनाथ से हर वर्ष भंडारे में बढ़ोतरी होने की कामना की।
इस मौके पर पारिब्रह्मणा थाना प्रभारी इंस्पेक्टर राकेश शर्मा भी मौजूद थे, जिन्होंने सभी को शिवरात्रि की शुभकामनाएं दी। सभी देशवासियों को महाराज शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। महाराज शिवरात्रि के शुभ अवसर पर बड़ी ब्राह्मणा ऑटो टैक्सी यूनियन की तरफ से एक लंगर का आयोजन किया गया है, जो पिछले 18 से 20 साल से चलता रहा है। हर साल ये लंगर बढ़ता गया। भगवान भोलेनाथ से हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करेंगे कि इस लंगर को आगे भी बना के रखें। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग के समरोली इलाके में गत दिवस हुए भूस्खलन के चलते जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हो गया था, जिसको सुचारू बनाने के लिए संबंधित विभाग द्वारा जोर शोर से काम किया गया और यातायात को बहाल बनाया गया। हालांकि यातायात बहाल हो गया है, मगर जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर केवल छोटे वाहनों को ही आने जाने की अनुमति दी गई है, जबकि बड़े वाहनों को भी छोड़ा नहीं जा रहा। जम्मू एंड कश्मीर नेचर ह्यूमन सेंट्रिक पीपल्स मूवमेंट जम्मू ने आज यूक्रेन और रूस के दरमियान हो रही जंग को दुनिया के लिए घातक बताते हुए प्रदर्शन किया और विश्व के देशों से मांग की है कि वे एकजुट होकर इस युद्ध को बंद करवाने में अपना योगदान दें। उन्होंने कहा कि इस युद्ध के गंभीर परिणाम होंगे, जिसका असर पूरे विश्व पर पड़ेगा, लिहाजा इस युद्ध को बंद करवाने के लिए सभी शक्तियाँ एकजुट हो जाएं। जो रशिया ने इंटरवेंशन की है यूक्रेन में, ये गलत किया है। इसका फैसला जो है डायलॉग साल करना चाहिए, मगर ऐसा नजर आता है कि जैसे अमेरिका की जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है नाटो की, जो दुनिया का ग्लोबल थानेदार बनना चाहता है और इसको भी नीचे लगाना चाहता है, उस पोजीशन में ये चीज़ जो है वो तीन पक्ष में बातचीत होनी चाहिए कि USA, रशिया और यूक्रेन, ताकि और वो लाइन अडॉप्ट की जाए जिससे हथियारों का व्यापार बंद हो और हर दुनिया के जितने भी छोटे मोटे कन्फ्लिक्ट हैं वो रिजॉल्व होने चाहिए, क्योंकि दुनिया वहाँ पहुँच चुकी है जहाँ क्लाइमेट क्राइसिस अपने सिर पर चढ़ के बोल रहा है और साइंसदानों ने यह कह दिया है कि 2030 के बाद इंसान का जीना इस धरती पर कठिन हो जाएगा और 50 के बाद आप समझो कि हमारी आने वाली पीढ़ी जो है वो जी नहीं सकती। सबसे पहले आएगा फूड क्राइसिस, एक बात जब क्रॉप फेल हो जाएंगे क्लाइमेट क्राइसिस से, दूसरा आएगा पानी का संकट, और तीसरा आएगा जब सी लेवल ऊपर हो जाएगा और कोस्टल रीजन में, और फिर आ जाएगी इनक्योरेबल डिजीजे जैसे कोरोना आया है, अबोला आ सकता है, स्वाइन फ्लू आ सकता है, निपाह आ सकता है, 50 बीमारियां आ सकती है, क्योंकि जैसे जैसे पर्यावरण की तबाही इंसान करेगा और नए नए कोरोना आएंगे और क्लाइमेट चेंज की वजह से ये वायरस जो है नए वेरियंट बनाएगा, उन वेरियंट का इस सोसाइटी के पास इलाज नहीं है। इसलिए हमारी वर्ल्ड पीपल से अपील है कि अपने राष्ट्रवाद से ऊपर उठ करके ग्लोबल मानवता के आधार पर एका बनाओ और सुपर पावर और मिलिट्री पावर को कम से कम डिक्लाइन कर दो कि पार्टी तंत्र हट जाए और लोकतंत्र रहे, ताकि लोग साफ हवा, साफ पानी, पॉइजन फ्री फूड और इंसानी भाईचारे में जी सके। आज शबे मेराज जम्मू कश्मीर में मनाया जा रहा है। शबे मेराज के मौके पर हजरत अल दरगाह में बड़ी तादाद में लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और हजरत मोहम्मद साहब की पवित्र निशानी के दर्शन किए। लोगों ने इस मौके पर जम्मू कश्मीर में अमन शांति और भाईचारे की भी कामना की। आयुष विभाग की तरफ से आज रणवीरेश्वर मंदिर में इम्यूनिटी बूस्टर दवाइयों का कैंप लगाया गया, जिसमें सभी लोगों को ये दवाइयां निशुल्क दी गईं। इस मौके पर हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर जितेंद्र कुमार विशेष तौर पर मौजूद थे, जिन्होंने विभाग द्वारा आयोजित शिविर के बारे में विस्तार से जानकारी दी। डिपार्टमेंट ऑफ आयुष की तरफ से आज महाशिवरात्रि के पावन मौके के ऊपर आज शिवालय मंदिर में आए हैं, क्योंकि जिस तरह से आयुर्वेद की डिमांड लोगों के बीच में बढ़ रही है और मंदिर प्रबंधक कमेटी की तरफ से भी हमें लेटर दी गई थी कि यहाँ पे मंदिर में जितने भी श्रद्धालु आते हैं वो आयुर्वेद के बारे में काफ़ी ज़्यादा
हर्षोल्लास से इन दवाइयों को पाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। इसीलिए डिपार्टमेंट आयुष की तरफ से यहाँ पे आज शिवालय मंदिर में आयुष का फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया है और यहाँ पे फ्री इम्यूनिटी बूस्टिंग मेडिसिन हैं जो श्रद्धालुओं के बीच में बांटी जा रही हैं। कश्मीरी पंडित समुदाय के लोगों को भी अब पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी भाने लगी है और उन्हें आशा है कि पीडीपी कश्मीरी पंडित समुदाय के लोगों के हितों के लिए काम कर सकती है। इसी सिलसिले में सोमवार कश्मीर में रहने वाले कश्मीरी पंडित समुदाय पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में शामिल हुए। पार्टी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती इस मौके पर विशेष तौर पर मौजूद थीं, जिन्होंने सभी का पीडीपी में स्वागत किया। हमारी तंजीम है जो उनके बारे में बात करती है। सर्वर अजान वारिस यासिर फ्रॉम नौगाम, यासिर फ्रॉम नौगाम, मुश्तबा फ्रॉम पांपोर। लोअर करथोली पंचायत के वार्ड नंबर 2 के लोग गली का निर्माण कार्य मुकम्मल नहीं होने के कारण संबंधित विभाग से काफी नाराज हैं। लोगों का कहना है कि इलाके की गली बनी हुई है मगर कुछ हिस्सा उसका छोड़ दिया गया है और उसका कारण उन्हें पता नहीं, जिस कारण उन्हें आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने मांग की है कि गली का निर्माण कार्य जल्द से जल्द मुकम्मल करवाया जाए। ये हमारी गली की हालत देखो, गवर्नमेंट बोलती है कहते हैं हमने हर गली हर कहते हैं हर चीज़ कहते पक्की करके दे रहे हैं, हर किसी गली पक्की कर रहे हैं। जब से गवर्नमेंट मोदी गवर्नमेंट आई है सब कुछ ठीक करके दे रहे हैं, मगर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे 3 बार हमारी गली बनने में आई है मगर पहले आधी बनी, फिर 100 मीटर बनी, वो भी ऐसी बनी कहते हैं वहाँ पर ना कोई बंदा चल सकता है ना कोई बच्चा कहते हैं खेल सकता है। ये आधी गली आप देखो बुरी हालत की हुई है और आप ये नाली देखो, अभी आगे गर्मी आने वाली है, बच्चे हैं यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं कहते हैं यहाँ पे ज़्यादा डेंगू मलेरिया कहते हैं इतना खतरा हो गया हुआ है कहते हम बोल भी नहीं सकते। तो गवर्नमेंट बोल रही है हमें स्वच्छ भारत अभियान चला रहे हैं, ये ऐसा स्वच्छ भारत अभियान चला रहे हैं? ये गली की हालत ऐसी ख़राब है, 2 साल पहले एक ठेकेदार ने करीब 200 फुट गली बनाई थी, उसके बाद 1 साल जो है वो बंद रहा, फिर कोई दूसरा ठेकेदार आया उसने फिर आधी वहाँ से गली बना दी और अब ये आगे में पूरा कच्चा है। यहाँ पर जब बारिश आती है पानी से कीचड़ कीचड़ हो जाता है, ना कोई आ सकता ना कोई जा सकता है। दूसरी बात ये है ये जो नाली है ये नाली वो उधर लास्ट में से हाई है और इधर आकर नहर की तरफ आ गई है, ये 7 फुट गहरी है, 7 फुट गहरी है। जब नहर में पानी आता है तो इसको ये इसकी नाली भी दी हुई है नहर में, जब नहर में पानी आता है तो सारा जब बैक पानी आता है इधर में पूरा ये पूरा भर जाता है, इधर में पानी पानी सारा हो जाता है। हमारे वो जो प्लाट में पानी चला जाता है, पीछे प्लाट में पानी चला जाता है और यहाँ पर पीछे बनी है झुग्गियाँ भी बनी हुई हैं, उनका जो है लैट्रिन का ओवरफ्लो भी दिया हुआ नाली में, वो जो है मच्छर इतने आते हैं बदबू आती है इतनी है जी, तो वो जब बहुत मतलब बहुत जो दिक्कत वाली बात है। तो गवर्नमेंट को चाहिए इधर हमारी सारी गलियां जितनी भी हैं सब पक्की बनी हुई हैं, सिर्फ यही गली है, हमने किसको नहीं कहा है जी, कोई सुनता ही नहीं है। युवा वर्ग खेल गतिविधियों में बढ़ चढ़ कर भाग ले और नशे से दूर रहे, इसके लिए बनिहाल के आज मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल में टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें ZDO बनिहाल अब्दुल रशीद मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे, जिन्होंने प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। प्रतियोगिता में इलाके की 24 टीमें भाग ले रही हैं। शॉट है लड़के, राज्य नौजवान शक्ति पार्टी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जिसमें पार्टी के प्रधान बशीर अहमद गनई ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि उनकी पार्टी आने वाले विधानसभा चुनावों में बढ़ चढ़ कर भाग लेगी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग चुनावों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और उनकी पार्टी को लेकर लोगों को काफी उम्मीदें हैं और वे लोगों की उम्मीदों को ध्यान में रखकर ही चुनाव में भाग ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में लोग समस्याओं से जूझ रहे हैं और युवा भी बेरोजगारी से, और आम लोगों की समस्याएं हल करना उनका मकसद है। जम्मू कश्मीर में इस पार्टी ने बहुत ब्लॉक से लेके डिस्ट्रिक्ट तक और स्टेट तक पार्टी को मजबूत बनाया है और आगे जो चुनाव आने वाले हैं इंशाल्लाह हर डिस्ट्रिक्ट में राजा नौजवान शक्ति पार्टी अपनी पार्टी की तरफ से कैंडिडेट उतारेंगे मैदान में। और राजा नौजवान शक्ति पार्टी की तरफ से जो अभी ये हदबंदी का रिपोर्ट आया है, राजा नौजवान शक्ति पार्टी
इस रिपोर्ट जब हमने देखा है और बहुत परेशान है। राजा नौजवान शक्ति पार्टी को ये रिपोर्ट मंजूर हदबंदी का नहीं है। अनंतनाग के मैटरनिटी एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल MCCH में आज मंगलवार को गैस विस्फोट में करीब 13 लोग घायल हो गए। घायलों में अधिकतर मरीज व उनके तीमारदार शामिल हैं। अस्पताल सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार MCCH अनंतनाग में टिकट सेक्शन में हीटिंग गैस में रिसाव के कारण ये विस्फोट हुआ। इस हादसे में अस्पताल के कुछ कर्मचारी भी घायल हुए हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए GMC अनंतनाग में स्थानांतरित कर दिया गया है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि विस्फोट के तुरंत बाद ही बचाव कार्य शुरू कर दिया गया था। घायलों को तुरंत घटनास्थल से बाहर निकाल दूसरे अस्पताल शिफ्ट किया गया है। घटना की जांच अभी की जा रही है। वहीं गैस विस्फोट में घायल हुए लोगों की पहचान साहिल अहमद रैना पुत्र अब्दुल अहमद, बिट्टू सिंह निवासी पालपोरा, फयाज अहमद पुत्र नजीर अहमद निवासी मलकनाग, मोहम्मद अब्बास पुत्र गुलाम रसूल निवासी श्री गुफवाड़ा, जाकिर पुत्र मोहम्मद तारिक निवासी कछवा, रूबी पुत्री मंजूर अहमद निवासी डीकेपोरा, रेहाना पुत्री फारूक अहमद निवासी डीकेपोरा, साहिल पुत्र एबी खलीक निवासी वारवान, जुनैद अहमद पुत्र अब्दुल गफार निवासी कोकरनाग, मनन पुत्र जावेद अहमद निवासी मलकनाग और बिल्किस पुत्री मंजूर अहमद निवासी डीकेपोरा के रूप में हुई है। जम्मू कश्मीर में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए शराब की दुकानों के लाइसेंस जारी करने के लिए आबकारी विभाग की ओर से इसी सप्ताह ई नीलामी की प्रक्रिया आरंभ की जाएगी। विभाग की ओर से इस बार ई नीलामी करवाने की जिम्मेदारी जम्मू कश्मीर बैंक को दी गई है और बैंक अपनी IT टीम के माध्यम से ये ऑनलाइन नीलामी करवाएगा और सफल आवेदनकर्ताओं को विभाग की ओर से दुकानों के लाइसेंस भी जारी किए जाएंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शिवरात्रि महापर्व जम्मू कश्मीर में मनाया जा रहा है धूमधाम और पारंपरिक तौर तरीके के साथ। दिन भर लगा रहा शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात के लिए हुआ बहाल, छोटे वाहनों को ही राजमार्ग से आने जाने की इजाजत। जम्मू एंड कश्मीर नेचर ह्यूमन सेंट्रिक पीपल्स मूवमेंट ने आज प्रदर्शन कर विश्व के देशों से की अपील, कहा यूक्रेन और रूस के दरमियान जारी युद्ध को खत्म करने में करें अपना हस्तक्षेप। और शबे मेराज के मौके पर दरगाह हजरत बल में जुटी लोगों की भीड़, हजरत मोहम्मद साहब की पवित्र निशानी के किए दर्शन। JLK मीडिया न्यूज के आज के इस अंक में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। फॉर मोर अपडेट्स डू सब्सक्राइब आवर YouTube चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल नोटिफिकेशन आइकन एंड इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन Facebook डू फॉलो आवर Facebook पेज।